एनटीए ने अभी अभी अपने सारे एलिगेशन को क्लियरिफाई किया है। अब ये वॉर हो गया स्टूडेंट वर्सेस एनटीए, सच वर्सेस झूठ का वॉर है और हम लोग सभी बच्चों के साथ हैं। सबसे पहला क्लियरिफिकेशन उन्होंने दिया है ग्रेस मार्क पे कि 2018 में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जैसा गाइड किया था वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सेम सिचुएशन है? वो ऑनलाइन पेपर था, ये ऑफलाइन पेपर है, वहां पे पेपर का लेवल अलग है, ये पेपर का लेवल अलग है, वहां पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप के होते हैं, यहां पे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों सेक्शन अलग अलग बिल्कुल तरीके से ट्रीट होते हैं। बायो के सवाल को करने में लगता है 20 सेकंड और फिजिक्स के सवाल को करने में लगता है 2 मिनट, कैसे आप एक बार में सही दे दोगे? सबसे पहला सवाल गलत कर रहे हो, ये सेम अप्लीकेबल नहीं होगा, हम लोग इसके लिए खड़े हैं। दूसरी बात, जब पेपर का लेवल पिछले साल और इस साल सेम था तो अचानक से सिर्फ एक क्वेश्चन के दो आंसर देने की वजह से 64 बच्चे 720 आ गए, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है या ग्रेस की वजह से ये सारे कट ऑफ का प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे कम से कम 50-60 हजार बच्चे जो 610 से लेकर के 650-60 के बीच में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो टॉप में भी आ रहे हैं वो भी 720 लाने पे, जेन्यून लाने पे उनको अच्छा कॉलेज में एम्स नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो रहा है। तीसरी बात, जो पेपर लीक है पुलिस ने भी ये देखा है कि कुछ मामले ऐसे हैं गुजरात और बिहार में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, कि सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ राजस्थान में कि पेपर लीक की खबरें हैं, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया आपने। और आप कह रहे हो कि हमने जल्दी रिजल्ट दे दिया, मांग कौन रहा था, किसको बता रहे हो, किसने बोला कि आपने जल्दी रिजल्ट दे दिया? तो मांग कौन रहा था जल्दी रिजल्ट? और जरूरी है कि जिस दिन देश का सबसे बड़ा एग्जाम चुनावी रिजल्ट आने वाला उस दिन आप रिजल्ट दो? तो ये सारे सवालों का जवाब बेबुनियाद है साहब आपके, और अब तो लड़ाई होगी, बहुत भयंकर लड़ाई होगी। ये गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और ग्रेस मार्क को आपको हटाना ही पड़ेगा। और जहां पे भी गलत तरीके से पेपर आपने एग्जीक्यूट कराया, क्या आपने हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर नहीं दिया? शर्म करो, आप इतने बच्चों इतने जगह पेपर लेते हो, आपके एक भी इन्विजिलेटर सही तरीके से ट्रेंड नहीं होते हैं और उनको पता तक नहीं होता पेपर कैसे कराना है, गलत कोड बांटते हो आप। हर पूरे इंडिया में आपने 50 सेंटर पर ग्रेस मार्क दिया, लेकिन कौन सा सेंटर है जहां पर पेपर 20 मिनट लेट शुरू नहीं हुआ, ये बताना जरा आप। 90% सेंटर पे 20 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ है, तो ये गलत है और इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं हम लोग भी, क्योंकि इस तरीके से पेपर और जो पेपर आपने बनाए वो भी बनाने का पैटर्न भी गलत है। क्यों बनाया इतना आसान पेपर, क्यों ऐसा इस लेवल का पेपर बनाया आपने कि कट ऑफ बढ़ गया? अच्छा, 2022 में जब 18 लाख बच्चे थे तो एक बच्चे के 720 आए थे और बाकी नॉर्मल कट ऑफ था। 2023 में 22 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे बढ़े तो भी सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। अचानक से 2024 में ही अब नॉर्मल चीजें क्यों होती है, इसका जवाब दे कोई। नंबर आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ गए, जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ गए तो 2022 से 23 में भी बढ़े थे, तब तो सब कुछ नॉर्मल था। 23 से 24 में जब एस्पिरेंट बढ़े तो अब नॉर्मल रिजल्ट क्यों आ रहा है, काहे आ रहा है? तो ये सब कुछ गलत है और एनटीए ऑफिशियल को टैग करिए और सारे बच्चों तक ये वीडियो शेयर करिए और गवर्नमेंट को, सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को, ध्रुव राठी सर को, सभी लोगों को टैग करिए और इस पर डिटेल एनालिसिस करने के लिए बोलिए।